भारत ने बांग्लादेश को कोलकाता में खेले गए ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट में एक पारी और 46 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और दो मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया। चौथे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 195 रनों पर सिमट गई और भारत ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। बांग्लादेश ने पहली पारी में सिर्फ 106 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 9 विकेट खोकर 347 रन बनाए थे और 241 रनों की बढ़त हासिल की। ईशांत शर्मा को मैच में 9 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, तीसरे दिन के स्कोर 152 से आगे खेलना बांग्लादेश ने शुरू किया और 41.1 ओवर में 195 रनों पर सिमट गई। मुशफिकुर रहीम ने 74 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सका। अल अमीन हुसैन ने 21 रन बनाए और इबादत हुसैन खाता खोले बिना आउट हुए। अबू जायद 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। चोटिल होने के कारण महमूदुल्ला दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए। भारत की तरफ से दूसरी पारी में उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, वहीं ईशांत शर्मा ने 4 विकेट लिए। गौरतलब है कि यह पारी के अंतर से भारत की लगातार चौथी जीत है। पहले टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हराया था। दोस्तों, इस तरीके से भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।